कोरोना और इसके नए वेरिएंट के कारण एक बार फिर से सतर्कता बरतने और कोविड संबंधित सुरक्षा उपायों को अपनाना जरूरी हो गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार अलग अलग जिलों में कई नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने भी मेडिकल बुलेटिन जारी कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति बताई है। बात करें 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी को 3,534 सैंपलों की जांच हुई। इन सैंपल्स में 15 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही प्रदेश में अब पॉजिटिविटी का दर 0.42% हो गया है। इन 15 कोरोना पॉजिटिव लोगों में से 9 लोग दुर्ग जिले से थे, रायपुर जिले से 4 लोग थे, मानपुर मोहला चौकी से 1 और कांकेर से 1 कोरोना मरीज है। इसके साथ ही अब दुर्ग जिले में टोटल एक्टिव केसेस 20 हो गए हैं। बात करें रायपुर जिले की, तो यहाँ पर टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 17 है। वहीं रायगढ़ जिले में 30 एक्टिव केसेस हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 86 पहुंच गई है। इस बीच खबर विभाग भी आप सबसे यही अपील करता है कि सतर्कता बरतें, भीड़ भरे इलाकों में जाने से बचें, मास्क का उपयोग जरूर करें और लक्षण पाए जाने पर अपनी जांच अवश्य कराएं। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।